अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ पाकिस्तान की खूबसूरत प्यारी हसीन। मेरे क्रेडिट पे सिर्फ प्यारी हसीन और खूबसूरत और कुछ नहीं है? मतलब ये किस किस्म की बात है? आप इंटरव्यू लेने आए हो, आप मुझसे मेरे काम के ऊपर बात करो, मेरी स्टडीज पे बात करो, मेरे पीछे जो मैंने काम किया 5 साल उसके ऊपर बात करो। आप खूबसूरत हसीन नहीं, ऐसा मैं वही कर रहा था। मैं मतलब अभी स्टार्ट लिया मैंने, नहीं स्टार्ट लिया मतलब आप बात ही ऐसी कर रहे हो कि लोग सिर्फ, फिर वही बात हुई ना, लोग यही कहेंगे कि सिर्फ हसीन और खूबसूरत चेहरे जो है वो आगे आते हैं। मैं ऑलरेडी इसी चीज को काउंटर कर रही हूँ कि नहीं, लोग खवातीन मेरिट पे भी काम करते हैं। मैं आगे बोल देता हूँ, लेकिन सॉरी मुझे पता नहीं था। अब आपने सॉरी कर दिया तो मैं बात जाने देती हूँ, वरना वैसे ऐसे आपको करना ही नहीं चाहिए था। यार ये कौन सा मतलब तरीका है? यार का क्या मतलब है? आपकी मेरी फ्रैंकनेस तो नहीं है? मुझे तो लग रहा है आप गलत कह रहे हैं। बस मैं आपसे बड़ी रिस्पेक्टफुली आप करके बात कर रही हूँ। आप ना करें, आपने मुझे कट क्यों किया मेरा इंटरव्यू? आप मुझे बाद में कह देती है, ये तो लाइव आपकी कैसे कह देती? आप बाद में वो चीज एडिट होकर तो नहीं रख सकती ना। मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि बासित खवातीन को अपने मेरिट पे आगे आने की जरूरत है। आप कह रहे हैं बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीन है, भाई मेरा और कोई मेरिट ही नहीं है, मेरी और कोई क्रेडिट, मेरी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। और आपने क्या पाकिस्तान को कोई तरक्की दिला दी? मैंने पाकिस्तान को डॉलर बढ़ गए आप, मतलब आपकी वजह से देखें इतना तो रबिश है यू सेइंग बासित। मतलब ये कोई तरीका है? आप कह रहे हैं कि आपकी वजह से डॉलर बढ़ गए, मतलब मैं, आपका मतलब ये है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरा कोई, मेरे, मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री पे कुछ नहीं है। नहीं आपकी क्रेडिट में बिल्कुल है। अभी मैं मतलब पहले जुमले में आप क्रेडिट कैसे बता दूं, मुझे आप ये बताएं। आप अगर बात करना चाहते हैं तो आप ये कहें पाकिस्तान की पहली फीमेल एंकर है जो कॉमेडी शो होस्ट करती है प्राइम टाइम, ये एक क्रेडिट हिस्ट्री। कॉमेडी आती भी है? मुझे कॉमेडी करने की जरूरत नहीं है एंकर। यार मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, आपने नहीं देना ना। यार मत करें। कोई तरीका नहीं है ना, आप क्या कैसे बोल रही हैं? तो मैं कैसे और कैसे बोला जाता है? मैं आपको बड़ी रिस्पेक्टफुली कह रही हूँ। मैंने आप अपने आपको पता नहीं अभी से क्या समझने लगी, क्या है आपको कुछ जानता है? मतलब इतना भी नहीं है जितना आप। एक्सक्यूज मी, आप, मैं जियो की एंकर हूँ, मैं खातून हूँ, आप इस तरह खवातीन से बात नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँ? मैं तो अभी स्टार्ट इंटरव्यू करूंगा, लोगों को बताऊंगा ना। मुझे नहीं लगता ये इंटरव्यू कहीं जा रहा है। चलें जाएं, मैं आपका इंटरव्यू नहीं कर रहा। तो ना करें फिर, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे कई लोग रोज इंटरव्यू करते हैं, ऐसी कौन सी बात? होल्ड करें, बता दें जरा आवाज। क्या बता दें? क्या बता दें? कर दें अब क्या कर दें? उन लोगों को बता दें हमने फ्रॉड किया। ये था आयशा जासिब जो है उनका आपके लिए प्रैंक। ये प्रैंक था और आप लोग बेवकूफ बने। लेकिन गुस्सा करना इज सच अ हार्ड थिंग, बहुत मुश्किल काम है। मजा आता है ना? हां मजा आता है, लेकिन मैं देख रही थी बाहर से लोग गुजर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि इनको क्या हो गया। इसको कभी गुस्सा नहीं आया, जो बिल्कुल बर्फ ठंडे पानी की तरह बिल्कुल ठंडे मिजाज की है उनको एकदम से क्या हो गया कि इतना गुस्सा करिए घर आए मेहमान के साथ? दैट्स नॉट पॉसिबल। बस ये सारी शैतानी बातें ये बनाया था, लेकिन ये इसका आइडिया था कि हम प्रैंक करते हैं, ऑडियंस को थोड़ा सा हंसाएंगे, थोड़ा सा मजाक करेंगे उनके साथ। आई होप आप लोगों को बुरा नहीं लगा। बिल्कुल नहीं बुरा नहीं लगा, शुरू में लगा होगा कि एक ही कहने को औरत नाम किस तरह बोल रहे हैं, है ना। हाँ और ये भी लगा होगा कि औरत कैसे बात कर रही है, और बहुत से लोग अब कट करके जो वीडियो लगाएंगे। लेकिन थैंक यू मैं अपने चैनल के लिए वैसे बोलता हूँ क्योंकि आपके हम फॉलोअर्स हैं और आपको देखते हैं माशाल्लाह से, अल्लाह आपको तशरीफ दे। आयशा, मेरा चैनल आयशा जैसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और मुझे दें इजाजत। आप में है क्या वैसे यार?